हमारी चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर मदनी नाथ इन्फो को सब्सक्राइब करें। कुरान पर पहला बार ऐलान हो गया कि दरियाए फरात का पानी हर कोई पी सकता है, चरिंदों पर जानवर अपने बिगाड़े सभी पी सकते हैं, मगर वो पानी अगर कोई न पी पाए मारे, अगर वो पानी किसी के हलक में ना जाए तो वो खानदानी रिसालत के तहत जो पूल हैं जिनके हुलकू में मुबारक से दरियाए फरात गए कतरा भी नहीं करते। ये दरियाए फरात की बदनसीबी है, ये ऐसा जुर्म है खानदानी नबूवत के चमकते हुए सितारा गुलशन रिसालत के महकते हुए फूलों पर ऐसा अजीम जुर्म किया था। मेरे यहां पानी के मोहताज नहीं थे, कोई ये न समझे कि मेरे इमाम करबला में मोहताज थे, नहीं बल्कि यूं समझे कि आज करबला में फातिमा के लाल का इम्तिहान हो रहा है। सब्र का इम्तिहान है, इस्तेकामत का इम्तिहान है, तकवा का इम्तिहान है, तहारत का इम्तिहान है, इल्म का इम्तिहान है, सब्र शुक्र का इम्तिहान है, शुजात बहादुरी का इम्तिहान है, गोरे के जितने इम्तिहान हो सके आज कर इम्तिहान अली का नूरे आयन दे रहा है। तो मेरे इम्तिहान मेरे इमाम सब्र का इम्तिहान दे रहे हैं, इस्तेकामत का इम्तिहान दे रहे हैं, शुजाअत का इम्तिहान दे रहे हैं, इल्म व फन का इम्तिहान दे रहे हैं, ज़ोहद व बरा का इम्तिहान दे रहे हैं, खौफ व खशियत का इम्तिहान दे रहे हैं। वरना मेरे इमाम मजबूर नहीं थे बाइख्तियार थे, एक होकर लगा के कायनात का पानी सिमट कर मेरे इमाम के कदम पाक के नीचे आ गया। किसी शायर ने कहा है कल मैं तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, कल मैं तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, अरे तू ना होता तो न रह जाती सदाकत है हुसैन, तू ना होता तो न रह जाता सदा का तेरे हुसैन, तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम, तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ता अब तेरी बदौलत है हुसैन, वो रहेगा ता अब तेरी बदौलत है हुसैन, आज मेरे इमाम की शहादत ना होती तो खाने का धक्का धक्का कुछ ना होता, आज मेरे इमाम की शहादत हम शामिल होते हैं इस्लाम की भाषा को, हैं
और ऐसे लियो अपनी किस्मत पर नाश करो, जिस कदर नाश करो उसका मत है, कि अल्लाह का फजल है, उसका करम है, इसाने अफीम है कि अल्लाह ताला हम जैसे गुनहगार बंदों के ये गुनाह वाले हाथों में दामन आले पैगंबर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन का दामन करम था। और मेरे आका अलैहि सलातो व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, मन ना ताला आल हुब मोहम्मद माता सही था कि जो अहले बैत की मोहब्बत में दुनिया से गया समझ लो वो शहीद होके जा रहे हैं, शहीद होके मर सुभान अल्लाह। एक हदीस पाक में मेरे आका फरमाते हैं, मन ना ताला आल हुब मोहम्मद माता मफूर लहू, जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत में मरा वो बख्शा बख्शाया मरा, वो बख्शा बख्शाया मरा। अब शायर ने क्या कहा कि हाल मेरा मेरा अकीदा है यकीन, तब के बोलो सुभान अल्लाह, हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यकीन, अरे बख्शाए की मुझे तेरी मोहब्बत है, सुभान अल्लाह, हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यकीन, बख्शाए की मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन, कल मैं तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, होता तो न रह जाती सदाकत है अजीजानी गिरामी वफा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह बल अहवा वला किना तशकुरून। तर्जमा देखिए, रब का फरमान है, कुरान पाक का ऐलान है, तर्जमा गौर से सुन लीजिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। यह रब का कलाम है दोस्तों, अल्लाह का फरमान है, अल्लाह ने फरमाया वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात, कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं, मारे जाएं, काटे जाएं, उन्हें मुर्दा न कहना, बल हया बल्कि वो जिंदा है, वला किल्ला तशऊरून, तो उनकी जिंदगी को समझ नहीं पा रहा वो कैसे जिंदा है। और ये बात सच है कि शहदाए कराम कैसे जिंदा है, ये हमारी अक्ल में बात आने वाली नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे मकाम पर कुरान पाक के अंदर इशारा किया, वला तहसबन्न الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون, कि जो लोग राहे खुदा में शहीद किए जाए उन्हें तुम मुर्दा गुमान भी ना करो, सोचो भी ना। एक मकाम पर अल्लाह ने फरमाया कि उन्हें मुर्दा ना कहो, तो दूसरे मकाम पर अल्लाह ने फरमाया कि उन्हें मुर्दा बल आया तो जिंदा थी, और जिंदा ही नहीं बल्कि उनकी शान को जो है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि उन्हें रब की तरफ से रिज़्क़ अता किया जाता है, वो अल्लाह की बारगाह से रिज़्क़ पाया करते थे। इतना बड़ा मकाम है शहदाए इकराम का, जरा गौर करें, तवज्जो दें, शहदाए इकराम का मकाम कितना ऊंचा है, कितनी बड़ी शान के मालिक है। हमें ये आम शहदाए इकराम की बात हो रही है, कयामत तक हर होने वाले शहीदों की बात हो रही है, कि जो भी इंसान राखे खुदा में मारा जाएगा, काटा जाएगा, शहीद किया जाएगा, दुनिया से फना होगा, दुनिया से कुछ जाएगा, तो कौन कह रहा है कि अरे जाने वाले को वो जा रहा है, मर के जा रहा है, कट के जा रहा है, जाना दी गई है, काफिलों को काम कर दिया गया है, सीना छली छली कर दिया गया है, उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है, ये क्या मतलब हर होने
Look
जैसी आपकी मांग है वैसी किसी की मांग नहीं, जैसे आपके वालिद गिरामी है वैसे किसी का बाप नहीं, जैसे आपके नाना जान है वैसे किसी के नाना नहीं, जैसे आपकी नानी जान है वैसे किसी की नानी नहीं। अल्लाह बहुत परेशान के बारे में इमाम अली मकाम का किसान उनका मकाम और मर्तबा इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहबजादे अपने बेटे हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह तआला अन्हु को आप सरकार अपनी आगोश मोहब्बत में बैठाए अपनी गोद में सरकार बैठाए हुए हैं, प्यार कर रहे हैं। एक जानिब सरकार मेरे आका हजरत माने अली मकाम इमाम हुसैन है, दोनों शहजादे बचपन के आलम में है, नन्ही सी उम्र पाक है, दोनों शहजादे पैगंबर आजम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आगोश में सरकार की शफकत सरकार की मोहब्बत से मजे ले रहे थे, दोनों शहजादों से सरकार प्यार कर रहे हैं, कभी इमाम हुसैन को चूमते कभी हजरत इब्राहिम को चूमते। अब इसी प्यार और मोहब्बत के माहौल में अचानक हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, सज्जद लड़ाई का बुलबुले बुलबुले सिदरा हजरत रूहुल अमीन हजरत जिब्रील अमीन आने के बाद सरकार की बारगाह में सलाम पेश किया, फिर अर्ज किया या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम आप दोनों शहजादों से प्यार कर रहे हैं मोहब्बत कर रहे हैं, हाँ मैं दोनों शहजादों से मोहब्बत कर रहा हूं, मगर या रसूलुल्लाह अल्लाह ताला आपके दोनों शहजादों को एक साथ जमा नहीं रहने देगा, तवज्जो दीजिएगा, मतलब यह है कि ये दोनों शहजादे एक साथ नहीं रहे, अल्लाह ताला किसी एक को उठा लेगा, या रसूल अल्लाह किसी एक को अल्लाह ताला उठा लेगा, दोनों शहजादे आपके पास एक साथ नहीं रहेंगे, मगर या रसूल अल्लाह किसको उठाना है किसको रोकना है इसका इख्तियार अल्लाह ने आपको अता करवाया है। ये मिसनार शरीफ हदीसे बात है दोस्तों, बहुत ही मोतबर हदीस है, या रसूल अल्लाह किसको अल्लाह के पास भेजना है किसको इसका इख्तियार आपके हाथ में, इसका इख्तियार आपके हाथ में है, या रसूल अल्लाह आप जिसको चाहे अल्लाह के पास भेज दें और
जिसको चाहे आप अपनी बारगाह में रोक लें, अपने पास रोक लें। मेरे आकार जिस तरह को अपना शरीर सोच में पहुंच रहे, सरकार सोच रहे हैं अगर अपने नवासे हुसैन के बाप को रब के हवाले करता हूं तो मेरी बेटी सजरे कायनात सल्तनत इलाहिया की बनेगा। हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को रंज होगा, गम होगा, दुख होगा, तकलीफ होगी। और फातिमा का गम ये मेरा गम, फातिमा की तकलीफ ये मेरी तकलीफ है। अगर हुसैन को रब के हवाले करता हूं तो शेर खुदा फातहे खैबर दामाद पैगंबर मौलाए कायनात हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तकलीफ होगी, उनकी तकलीफ हमारी तकलीफ। और अगर मैं अपने बेटे इब्राहिम को हवाले करता हूं तो सिर्फ मुझी को तकलीफ होगी, इसकी मां को। मतलब यह है कि हुसैन को रब के हवाले करता हूं तो उसके जाने से सबको तकलीफ होगी, पूरे घर में सबको तकलीफ होगी। और इब्राहिम को जाने से उतनी तकलीफ हर किसी को नहीं होगी जो हुसैन के जाने से तकलीफ होगी। मेरे आकार इस तरह तो तस्लीम ने सोचा कि हुसैन को रोक लिया जाए, इब्राहिम को खुदा के हवाले। और मेरे आका ने ऐसे ही फरमाया, अल्लाह के नबी ने हुसैन पाक को रोक लिया, अपने बेटे इब्राहिम को खुदा के हवाले। हमें तरह का बच्चों दे कहां गए वो लोग जो मेरे नबी को मजबूर कहते हैं कि मेरे आका हमारी जानों के मालिक नहीं, हमारे मौत और हयात को के मालिक नहीं। मैं कहना चाहूंगा अल्लाह का अल्लाह की अल्लाह से अल्लाह के वजह से मेरा नबी हमारी जानों का भी मालिक है, हमारे मानों का भी मालिक है, हमारे मौत और हयात का भी मालिक है। बल्कि रब के करम से अल्लाह की अता से मेरे आका के निगाह इनायत से मेरे इमाम इमाम हुसैन जो भी हमारी जानों के मालिक है, हमारे मालों के मालिक है। उसके बाद हवा में कहते नहीं गुजरता, बल्कि मैं अभी बता रहा हूं तफसील से मुख्तसर अंदाज़ में। तो मेरे आका अलैहि सलाम ने इमाम हुसैन को रोका, यह इस बात की दलील है कि मेरे आका जीते जा रहे हैं जिसकी अजमत पर मैंने अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान कर दिया, इब्राहिम को कुर्बान कर दिया, इब्राहिम को कुर्बान कर दिया। मेरे आका ने हुसैन पाक को रोका और हजरत इब्राहिम को खुदा के हवाले किया। अब इसी बात को आओ मैदान कर्बला में देखो, मैदान कर्बला